रूस ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका यूक्रेन को जंग के लिए उकसा रहा है। पिछले दो दिन में अपने 3 एयरबेस पर हुए हमले से बौखलाए रूस ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया और उसने आरोप लगाया कि अमेरिका के भेजे गए घातक हथियारों से ही यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है। रूस ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो जंग को भड़काने में जुटा है, क्योंकि बीते दो दिन में रूस के 3 एयरबेस पर हमले हुए, जिसके बाद रूस ने इन हमलों के लिए यूक्रेन के पीछे खड़े अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया और दावा किया कि अमेरिका की सैन्य मदद से ही यूक्रेन इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहा है। इन हमलों के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। दावा है कि इस बैठक में शामिल सैन्य अधिकारियों ने ही हमलों के लिए अमेरिका की तरफ उंगली उठाई, क्योंकि अमेरिका ने रूस के 3 एयरबेस पर हुए हमलों पर कोई बयान नहीं दिया। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने रूस के आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। उधर ईरान सरकार पर छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए जहर वाली साजिश रचने का आरोप लगा। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अलग अलग विश्वविद्यालयों के कैफेटेरिया में करीब 1200 छात्रों को जहरीला खाना परोसा गया, क्योंकि ईरान की नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में देश भर में 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था। आरोप है कि हड़ताल शुरू होने से ठीक एक दिन पहले फूड पॉइजनिंग की वजह से प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी में जुटे छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कई विश्वविद्यालयों में छात्रों ने कैफेटेरिया के खाने का बहिष्कार कर दिया और खाने की थालियों को अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर बिखेर दिया। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फूड पॉइजनिंग के इलाज करने वाली दवाइयां खत्म होने की बात कही है, जिसके बाद आशंका जताई जाने लगी कि सरकार विरोधी प्रदर्शन को कुचलने के लिए जानबूझकर विश्वविद्यालयों की कैंटीन में जहरीला खाना परोसा गया। क्योंकि करीब 3 महीने से जारी हिजाब विरोधी प्रदर्शनों ने ईरान की सरकार की नाक में दम कर दिया है और सितंबर में हिजाब ठीक से न पहनने के आरोप में गिरफ्तार की गई महसा अमीनी नाम की लड़की की पुलिस हिरासत में मौत के बाद तो इस आंदोलन की आग पूरे देश में फैल गई, जिसे कुचलने के लिए ईरान की सरकार पर पहले भी तरह तरह के हथकंडे अपनाने के आरोप लग चुके हैं। और कुछ दिन पहले यह भी खबर आई थी कि वहां की उस मोरालिटी पुलिस को ही खत्म कर दिया गया जिसे महसा अमीनी की मौत का जिम्मेदार बताया गया था, लेकिन अब इस ऐलान को भी आंदोलन को कमजोर करने का ही एक हथकंडा माना जा रहा है, क्योंकि सरकार को लग रहा था उसके इस ऐलान के बाद हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला थमने लगेगा। लेकिन खबर है कि जब इसका आंदोलन पर कोई असर पड़ता नहीं दिखा तो ईरान सरकार ने मोरालिटी पुलिस को भंग करने की खबरों को खारिज कर दिया और उसने हिजाब कानून को नहीं मानने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्ती और बढ़ाने की तैयारी कर ली, जिसके तहत जल्द ही हिजाब पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का ऐलान किया जा सकता है। इधर राजस्थान पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि सीकर में मारे गए गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की साजिश 9 महीने पहले ही रची गई थी। उसको मार गिराने का प्लान लॉरेंस गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा ने बनाया था। इसके लिए उसने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए शूटरों का इंतजाम किया था, जिन्होंने 3 दिसंबर की सुबह के वक्त अपने काम को अंजाम दिया। राजू ठेहट के घर के बाहर पहुंचे हमलावरों ने वहां ऐसा जाल बिछाया कि गैंगस्टर राजू ठेहट बचकर भाग न पाए। इसके बाद जैसे ही वो घर से बाहर आया, शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके राजू ठेहट को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अब जांच में ये बात सामने आ रही है कि इस हत्याकांड की तैयारी 9 महीने पहले ही शुरू हो गई थी और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सीकर में मौजूद अपने सबसे खास गुर्गे मनीष जाट को सौंपी। इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया के जरिए शूटरों को बीकानेर बुलाया।